हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेवर इमिग्रेशन। दिस इज़ गौरव, आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको ऐसी वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड स्पाउस वीज़ा। सो हम इस वीडियो में बात करेंगे न्यूजीलैंड स्पाउस वर्क वीज़ा के बारे में। सो जो न्यूजीलैंड स्पाउस वर्क वीज़ा होता है, वो एक बहुत ही क्रूशियल वीज़ा है, क्योंकि जब भी आप किसी न्यूजीलैंडर से, जो न्यूजीलैंडर का मतलब है कि चाहे तो वो न्यूजीलैंड का पीआर है चाहे सिटीजन है, उससे शादी करते हैं, तो आपको वहाँ की पीआर डालने से पहले उसके साथ 1 साल रहना जरूरी होता है कि आप दोनों एक ही छत के नीचे 1 साल से रह रहे हो या एक ही घर में 1 साल से रह रहे हो, और आपकी रिलेशनशिप को 1-1.5 साल से जो है ज़्यादा हो गया है। तो उस केस में क्या होता है कि 1 साल रहने से पहले जब न्यूजीलैंड जो सिटीजन या पीआर है उनके पार्टनर जो न्यूजीलैंड में एंटर करते हैं, चाहे वो किसी भी वीज़ा पे एंटर करते हैं, कल्चरली अरेंज मैरिज है, चाहे वो न्यूजीलैंड स्पाउस विजिटर वीज़ा पे एंटर करते हैं, तो एंटर करने के बाद जब उन्होंने अपने वीज़ा ड्यूरेशन को एक्सटेंड करवाना होता है या उन्होंने अपने जो है वर्क राइट्स लेने होते हैं न्यूजीलैंड में, तो उनको जो है पार्टनर ऑफ न्यूजीलैंडर वर्क वीज़ा, जो इसकी ऑफिशियल जो इसका नेम है न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे, वो ये है पार्टनर ऑफ न्यूजीलैंडर वर्क वीज़ा, तो उनको ये जो वीज़ा होता है ये वीज़ा अप्लाई करना होता है टू गेट वर्क राइट्स एंड टू गेट टाइम फ्रॉम द इमिग्रेशन टू स्पेंड विद हिज और हर पार्टनर टू अप्लाई परमानेंट रेजिडेंसी इन फ्यूचर। सो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो ऑलरेडी न्यूजीलैंड में जो है विजिटर वीज़ा पे एंटर कर चुके हैं और जो है वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम इसमें जो है अब इसके एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, और जो दूसरे क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी भी बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और क्या जो है इसका प्रोसेस है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस, जो अगर मैं एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेता हूँ, तो इसमें जो है जेनरिक डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही होते हैं, जैसे कि डिजिटल फोटो होगी, पासपोर्ट की कॉपी होगी, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, और या नेशनल आईडी होगी, आधार कार्ड। इसके अलावा ये जो है 3 महीने से ज़्यादा जो वीज़ा जब हम अप्लाई करते हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, इसलिए इसमें जो है मेडिकल भी रिक्वायर होता है एप्लीकेंट का, यानी कि हेल्थ एग्जामिनेशन एंड पुलिस क्लियरेंस भी रिक्वायर्ड होती है उन सभी कंट्रीज की जिसमें आपने 12 महीने से पहले स्पेंड किया है। पुलिस क्लियरेंस जो है ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपसे मांग सकता है, क्योंकि आप जो है एक ऐसा वीज़ा अप्लाई कर रहे हो जो कि लीडिंग टू परमानेंट रेजिडेंसी होता है इन फ्यूचर। तो अगर हम स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो इसमें जो न्यूजीलैंडर होता है स्पॉन्सर आपका, उनके रेजिडेंट वीज़ा की कॉपी लगती है या उनका न्यूजीलैंड का पासपोर्ट की कॉपी लगती है अगर वो सिटीजन है। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ्स लगते हैं, टैक्स रिटर्न्स लगते हैं, उनकी पे स्लिप्स लगती है, उनके फंड्स लगते हैं, इसके अलावा उनकी भी पुलिस क्लियरेंस लगती है जो आपका पार्टनर जो है न्यूजीलैंड में है। अब हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं जो इसमें मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें आ जाती है आपका मैरिज सर्टिफिकेट या मैरिज रजिस्ट्रेशन, देन आ जाती है ज्वाइंट होम ओनरशिप, अगर आपने वहाँ पे न्यूजीलैंड में कोई घर बाय किया है तो उसकी ओनरशिप के प्रूफ, जहाँ आपके दोनों के नाम पे कोई होम लोन है, जहाँ आप कोई रेजिडेंटल प्रॉपर्टी बाय करने वाले हो और आपके पास उसके जो है एग्रीमेंट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आप जो है इसमें अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर रेंट पे रह रहे हैं तो आप ज्वाइंट रेंटल एग्रीमेंट या रेंटल सीट्स भी लगा सकते हैं कि आप जो है दोनों इतने टाइम से जो है इकट्ठे रह रहे हैं 4-5 महीने से, उसके बाद जो है आप अपना ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ज्वाइंट यूटिलिटी अकाउंट्स, जैसे कि पावर इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हो गए, आपके फ़ोन के बिल्स हो गए, आपके गैस के बिल्स हो गए, देन आ जाते हैं आपके ज्वाइंट या इंडिविजुअल मेल्स होगी, जहाँ आपने जो एड्रेस शेयर किए हुए हैं उस पे जो आपको मेल्स आती है आप उनके भी जो है प्रूफ अटैच कर सकते हैं। देन आ जाती हैं रेफरेंस लेटर्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स, तो जो आपके न्यूजीलैंड में फ्रेंड सर्कल है आपको उनसे रेफरेंस लेटर्स भी लेनी होती हैं कि वो इस कपल को जो है 7-8 महीने से जानते हैं, ये दोनों इतने टाइम से यहाँ पे इकट्ठे रह रहे हैं, तो वो भी एक आपकी गारंटी लेते हैं कि जो आपकी रिलेशनशिप है वो जेन्युइन है। देन आ जाती है आपकी ट्रैवल टिकट्स, होटल अकोमोडेशन प्रूफ, जैसे आपने न्यूजीलैंड में या न्यूजीलैंड के बाहर या किसी भी कंट्री में इकट्ठे ट्रैवल किया है, तो आपके बोर्डिंग पासेस होंगे या ट्रैवल टिकट्स होंगी या
आप कहीं पे भी घूमने के लिए जाते हैं तो आपके पास होटल की बुकिंग्स होती हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे जो है ज़रूरी होती हैं कि आप मैरिज के बाद एज ए कपल सोशली एंड जो है घूमने फिरने जा रहे हो, तो आप लोगों को आपके बारे में पता है। इसके बाद आ जाते हैं आपके सोशल मीडिया प्रूफ्स। तो आपने जो है अपना फेसबुक पे डिक्लेयर किया होता है कि आपकी जो मैरिज है इनसे होगी है, या इंस्टाग्राम पे या जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं आपने उस पर फोटोज़ डाली होती हैं, जहाँ आपने उन पर ये चीज़ें डिक्लेयर की हुई थी, उनके भी जो है स्नैपशॉट्स इसमें लगते हैं। देन आ जाते हैं ज्वाइंट ओनरशिप और एनी अदर एसेट्स, जैसे कि आपकी कोई कार होगी या कोई आपने अदर एसेट्स ओन किए हुए हैं न्यूजीलैंड में या न्यूजीलैंड के बाहर, तो आप वो उसके प्रूफ्स भी जो है इसमें अटैच कर सकते हैं। देन आ जाते हैं ज्वाइंट क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स, जैसे कि अगर आपके कोई क्रेडिट कार्ड्स हैं या बैंक अकाउंट्स आपका है जो ज्वाइंट है, तो आप उनकी जो स्टेटमेंट्स है वो भी अटैच कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कार्ड्स या लेटर्स जो आप अपने पार्टनर को सेंड करते हो। अगर जिस टाइम पे आपका पार्टनर ओवरसीज था, आपके पास नहीं था, तो आप उनको कोई कार्ड सेंड करते थे या लेटर सेंड करते थे या ईमेल्स आप उनको करते थे, तो आप उनके भी जो है प्रूफ्स लगा सकते हैं। देन आ जाती है व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड्स एंड कॉल रिकॉर्ड्स। सो जो भी आप अपने पार्टनर के साथ बात करते हो, शादी से पहले की, शादी के बाद की या न्यूजीलैंड आने के बाद की, उसकी जो व्हाट्सएप के चैट रिकॉर्ड्स हैं या कॉल रिकॉर्ड्स हैं, वो भी आपको इसमें जो है अटैच करने होते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से लगातार बात करते हो, चाहे आप वर्क प्लेस पे हो चाहे घर पे हो। तो जब आप दूर होते हो तो आप जो है कॉल्स एंड चैट के माध्यम से एक दूसरे के साथ जो है कनेक्टेड हो। देन आ जाते हैं आपकी लेटर्स ऑफ सपोर्ट डेट रिकॉग्नाइज योर पार्टनरशिप। लेटर्स ऑफ सपोर्ट में जो है आप अपने पेरेंट्स से भी लेटर्स लिखवा सकते हो, और उसके अलावा आपको अपनी जो है पर्सनल स्टेटमेंट्स भी लिखनी होती हैं कि न्यूजीलैंड में दोनों इकट्ठे रहने के बाद आप क्या क्या जो है हाउस होल्ड ड्यूटीज निभाते हो, एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हो, मतलब एक दूसरे को फाइनेंशली या जो है उनको सोशली आप कैसे बिहेव करते हो एक दूसरे के साथ। तो इसमें ये सारी चीज़ें भी जो है अटैच करनी होती हैं कि आप एक दूसरे को जो लेटर ऑफ सपोर्ट है वो आपको लिखना होता है कि आपको क्या क्या सपोर्ट मिल रही है एक दूसरे से। सो दीज आर सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा कुछ इमिग्रेशन के फॉर्म्स भी होते हैं जो फिल करने होते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ्स के साथ जो है अपना न्यूजीलैंड में वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लेके आए तो आपको अपडेट्स मिल सके। आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको अपना जो है पार्टनर वीज़ा इंडेवर इमिग्रेशन की टीम से अप्लाई करना है, तो आप जो है हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।